हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ वॉलीबॉल खेल की रूल्स मेजरमेंट्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। एंड दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पर सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग थियोरेटिकल टॉपिक पूरा कर दिए गए हैं। एंड 100 से ज़्यादा वीडियोज प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन के हैं, एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज का भी प्रैक्टिस कराया गया है। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, वॉलीबॉल खेल में FIVB के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? FIVB यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल यानी विश्व वॉलीबॉल संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एरी ग्रेस फिल्हो ब्राजील के। जैसा कि विश्व वॉलीबॉल संघ FIVB यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल की स्थापना 1947 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है लोसाने स्विट्जरलैंड यानी मुख्यालय। नेक्स्ट दोस्तों, वॉलीबॉल खेल की खोज कहाँ पे हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल खेल की खोज किसने तथा कौन से सन में हुआ था? तो इसकी खोज अमेरिका में विलियम जी मोर्गन ने 1895 में किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, विश्व की प्रथम प्रतियोगिता कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो विश्व की प्रथम प्रतियोगिता वॉलीबॉल की आयोजित किया गया था 1922 न्यूयॉर्क में YMCA द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम प्रतियोगिता कब और कहाँ आयोजित हुआ? तो भारत में प्रथम प्रतियोगिता कब आयोजित हुआ? तो 1936 में लाहौर में आयोजित हुआ। ठीक है। एंड नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कौन से सन में हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना 1947 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो लोसाने स्विट्जरलैंड में, जबकि यहाँ पे नहीं दिया है दोस्तों, यहाँ पेरिस फ्रांस दे दिया है, बट यहाँ पे सही आंसर होगा लोसाने स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल खेल के जन्मदाता का नाम क्या है? तो इनको वॉलीबॉल को विकसित करने वाले हैं विलियम जी मॉर्गन, अमेरिका के। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन कौन से सन में हुआ? तो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन 1951 में हुआ। एंड दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली और वर्तमान अध्यक्ष हैं अच्युता सामंता, जो 2020 से 2024 तक रहेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल खेल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? तो ओलंपिक खेलों में 1964 टोक्यो जापान में शामिल किया गया। एंड दोस्तों, एशियाई खेलों में शामिल किया गया उन्नीस सौ अंठावन टोक्यो जापान में। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें कुल खिलाड़ी 12 होते हैं एक टीम में। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल खेल में टाइम आउट कितने सेकेंड का होता है? तो टाइम आउट इसमें 30 सेकेंड का होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वॉलीबॉल का खेल कितने घंटों का होता है? तो इसमें कोई समय सीमा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वॉलीबॉल में जो 3 या 5 सेट होता है, और 4 सेट 25 अंक का होता है, 5वां सेट 15 अंक का होता है। पहले 3 सेटों के मध्य 2 मिनट का अवकाश होता है, एंड चौथे और पांचवें सेटों के मध्य 5 मिनट का अवकाश दिया जाता है। और इसमें एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, बट खेलने वाले एक टीम में खिलाड़ी होते हैं 6। नेक्स्ट है, इसमें क्या कितने सेकेंड का टाइम आउट होता है? तो टाइम आउट दोस्तों वॉलीबॉल में 1 सेट में 2 टाइम आउट 30 सेकेंड का होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वॉलीबॉल की FIVB में डी का क्या मतलब होता है? तो इसमें डी का मतलब होता है का। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल में पहले 3 सेट के मध्य अवकाश का समय कितना होता है? तो 2 मिनट का। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल में चौथे और पांचवें सेट के मध्य अवकाश का समय कितना होता है? तो 5 मिनट का। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय स्तर की
इंडोर स्पर्धाओं में वॉलीबॉल ग्राउंड से छत की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? तो इंडोर खेल के लिए 12.5 मीटर होता है वॉलीबॉल में, एंड बास्केटबॉल में 7 मीटर, एंड बैडमिंटन में 9 मीटर छत की ऊंचाई होता है इंडोर हॉल में, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल खेल का पहला नाम क्या था दोस्तों? तो इसका पहला नाम था मिंटोनेंट। क्या नाम था? मिंटोनेंट। नेक्स्ट दोस्तों, किसने मिंटोनेंट का नाम बदलकर वॉलीबॉल रखा था? तो मिंटोनेंट का नाम बदलकर वॉलीबॉल रखा था डॉक्टर ए टी हॉल स्टीड ने। किसने रखा था? डॉक्टर ए टी हॉल स्टीड ने इसका नाम रखा था वॉलीबॉल 1896 में। नेक्स्ट है दोस्तों, वॉलीबॉल के कोर्ट में फ्रंट जोन की लंबाई और बैक जोन की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों फ्रंट जोन 3 मीटर लंबा होता है, एंड 3 मीटर की दूरी पर होता है सेंटर लाइन से, एंड बैक जोन जो है वो आपका 6 मीटर होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वॉलीबॉल के कोर्ट की लंबाई चौड़ाई क्या होती है? जैसा कि आप सबको पता है, ये 18×9 मीटर का होता है, 18 मीटर चौड़ा लंबा एंड 9 मीटर चौड़ा। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट की साइड लाइन से पोस्ट की दूरी क्या होती है? तो जो पोल होता है उसका दूरी साइड लाइन से 1 मीटर की दूरी पर होता है। नेक्स्ट दोस्तों, वॉलीबॉल खेल में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया? तो ए पलानी स्वामी को दिया गया 1961 में। नेक्स्ट है, FIVB का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल खेल के दौरान रोटेशन होता है, तो जो वॉलीबॉल खेल होता है इसमें जो रोटेशन होता है वो क्लॉकवाइज होता है, ये ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट है, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों का स्थान यानी प्लेसमेंट ऑफ प्लेयर होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, जो रोटेशन होता है क्लॉकवाइज होता है, एंड प्लेसमेंट ऑफ प्लेयर जो खिलाड़ियों का स्थान होता है खड़े होने का वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, खिलाड़ियों का प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज, रोटेशन क्लॉकवाइज। नेक्स्ट है, फर्स्ट रेफरी के सीटी बजाने के बाद सर्विस मैन को कितने समय के अंतर्गत सर्विस करनी पड़ती है अन्यथा वह फाउल माना जाएगा? तो 8 सेकेंड के अंतर्गत। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल खेल में पुरुषों के लिए नेट की हाइट कितनी होती है? तो पुरुषों के लिए होती है 2.43 मीटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल में महिलाओं के लिए नेट की हाइट कितनी होती है? तो महिलाओं के लिए होता है 2.24 मीटर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। एंड इसका नेक्स्ट पार्ट में और जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो होगा, एंड दोस्तों जितने भी स्पोर्ट्स के रूल्स एंड मेजरमेंट सभी बचे हुए हैं सभी को मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा करूंगी। एंड दोस्तों इसके बाद आपका रिवीजन होगा, जैसा कि आप सबको पता है कि आपने KVS UPTGT का फॉर्म अप्लाई कर दिया है, और इसकी तैयारी के लिए KVS का जो होता है 3 से 4 मंथ ही होता है, इसलिए आप लग जाइए। एंड मेरे चैनल पे डेली बेसिस से बने रहिए, यहाँ पे प्रैक्टिस डेली बेसिस पे कराया जा रहा है, एंड जो भी आपके डाउट होंगे उसको भी क्लियर कराया जाएगा दोस्तों। एंड नेक्स्ट वॉलीबॉल के बाद आपका होगा बॉक्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो दोस्तों यदि आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।